डॉक्टर की जगह अगर आप किसी और के पास जाएंगे, हकीम के पास जाएंगे, तो आप मेडिकेशंस प्रॉपर नहीं ले सकते. इसके लिए साइनस बेसिकली एक टनल है, एक रबता है जो डीप तक जा सकता है. अगर ये हड्डी का मसला है तो कुछ लोगों को शुगर भी हो सकती है. बिल्कुल. तो उसकी वजह से आपका इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेटेड होगा. बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है माशाल्लाह. अच्छा डॉक्टर साहब, आपके क्रोनिक वुंड पेशेंट भी है, ऑस्टियोमायलाइटिस का पेशेंट है, और ऑस्टियोमायलाइटिस इस क्वाइट अ सीरियस डिजीज़ जहाँ पर इवन हड्डियों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, और मेरे ख्याल में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ऑस्टियोमायलाइटिस के पेशेंट से ज़रा घबराते हैं, चूँकि इसकी मैनेजमेंट इतनी आसान नहीं होती और कॉम्प्लिकेशंस का भी अमकान होता है. तो आप उसके बारे में भी ज़रा अपना कोई एग्जांपल दिखाते हैं हमें. बेसिकली जब कोई बोन से रिलेटेड चीज़ हो, डेफिनेटली वी आर नॉट ट्रीटिंग दैट डिज़ीज़. लेकिन यह है कि पेशेंट इन्फेक्शन के साथ जब हमारे पास आया, तो हमने इसके जो बेसिकली एब्सेस थी, जो कि एक बुला सा बना हुआ था, तो उसको जब हमने इंसाइज किया, तो ओपन किया, तो डेफिनेटली इट्स फुल ऑफ पस, रेशे के साथ था, पस भरी पड़ी थी. और जब अंदर देखा तो डेफिनेटली वहाँ साइनस मौजूद था. साइनस होना किसी भी जगह पे तो वो आपके लिए एक फिक्रमंदी वाली बात होती है कि साइनस वो कब भरेगा, किस तरह, क्योंकि हमारे पास साइनस बेसिकली एक टनल है, एक रबता है जो डीप तक जा सकता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया भी जा सकता है, इन्फेक्शन भी फैल सकती है, और उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है. क्योंकि इस तरह के साइनस से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं, तो हाइड्राडेनाइटिस सपुरेटिवा एक ऐसी चीज़ है कि वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उसकी वजह से बॉडी में बहुत से किसी भी पार्ट पे वो साइनसेस ओपनिंग टनल्स बन सकती हैं, जिसकी वजह से वो कई दफ़ा हील या रिकवर नहीं होता. यानी कि बैक्टीरिया और वो जरासीम exactly. अंदर ही घुसे हुए हैं, और अंदर तक हम अपनी ट्रीटमेंट एग्जैक्टली तो इस चीज़ के लिए डेफिनेटली मैं लोगों से ये कहूँगा कि अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें. क्योंकि डॉक्टर की जगह अगर आप किसी और के पास जाएंगे, हकीम के पास जाएंगे, तो आप मेडिकेशंस प्रॉपर नहीं ले सकते. इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, प्रॉपर आपके वुंड के इन्फेक्शन को रिकवर करना ज़रूरी है. और अगर आपके साथ अंडरलाइन डिजीज़ या कोई और बीमारी चल रही है, जैसे शुगर का मसला है, अगर ये हड्डी का मसला है, तो कुछ लोगों को शुगर भी हो सकती है. बिल्कुल. तो उसकी वजह से आपका इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जितना डिले होगा उतने ज़्यादा उसे संभालना मुश्किल एग्जैक्टली होगा. और वो फिर आपके डेफिनेटली डेथ की तरफ भी बात जा सकती है. इस पेशेंट का जब हमने ओपन किया तो साइनस मौजूद था. अगेन जब हमने इधर स्टेम सेल्स या डिफरेंट जो भी हमने प्रोटोकॉल इस जगह पे इस्तेमाल किया, टुगेदर विद फोटोबायोमॉड्यूलेशन जो कि लाइट थेरेपी है, उसके करने से विद इन 2 वीक्स साइनस इसका क्लोज हो गया था, इन्फेक्शन रिकवर कर गया था. और आप इसके लास्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि साइनस क्लोज है और उसके एज जो थे वो बहुत डिफाइन हो चुके थे, और पेशेंट रिकवर्ड था विद इन 2 वीक्स. माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है माशाल्लाह. आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ कि व्यूअर्स को भी बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली, और मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान में स्टेम सेल और PRP पे भी रिसर्च हो रही है, और वुंड हीलिंग का ये मेयार भी है पाकिस्तान में. खारिया में आपका है उस्मान मेडिकल सेंटर. अनफॉर्चुनेटली आप इधर बड़े शहरों में नहीं है जहाँ पर हम लोग हैं, लेकिन लोग फिर इधर से जाएंगे आपके पास खारिया में, उधर से इंशाल्लाह आपसे ट्रीटमेंट लेंगे. ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान तक ये चीज़ पहुँची हो और पाकिस्तान में ये काम हो रहा हो. मैं आपके चैनल से जरा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो अक्सर लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप पेरिफ्री में बैठे हुए हैं, हम इस्लामाबाद में नहीं हैं. एक कॉन्सेप्ट जो कि मैं लेकर चल रहा हूँ कि अगर आप कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हैं और वो इस्लामाबाद में अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज़ आप कोशिश ये होनी चाहिए कि पेरिफ्री में आप कुछ चीज़ें ऐसी करें कि कराची से लोग उठ के गुजरात आएँ. तो अगर जब तक हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स को और दूसरे शहरों को डेवलप नहीं करेंगे नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो कभी भी हम अपने दूसरे सिटीज़ को डेवलप नहीं कर सकते. एक विजन होना चाहिए और एक कोशिश होनी चाहिए, और जहाँ भी आप बैठे हुए हैं यकीनी तौर पर लोग खुद इंशाल्लाह अपनी ज़रूरत अपने मसाइल को लेकर आपके पास ज़रूर पहुँचेंगे. और ये बड़े फ़ख्र की बात है, मैं समझता हूँ हम सरानगीर के हैं, आप लाला मूसा में होते हैं, तो हम भी हमसाए भी हैं. तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपके आने पे. और व्यूअर्स अगर इनमें से किसी को वुंड का इशू आ रहा है, तो डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमने
ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسے لائک کیجیے, اسے شیئر کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے اینڈ کلک دا نوٹیفیکیشن بیل. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پہ بات کریں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس پہ غور کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کو یا کسی اور میڈیکل فیلڈ کے آدمی کو بلایا جائے اور ان سے ہم انفارمیشن لیں اور ان کا انٹرویو کریں اور ان کی کیپیبلٹیز کو پریزنٹ کریں تو آپ ہم سے رابطہ کریں, تو انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ غور کریں گے. ڈاکٹر فہد عثمان صاحب, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے, وہ ہوتے ہیں ایٹ عثمان میڈیکل سینٹر ان لالا موسیٰ, اینڈ اس کے علاوہ اور بھی دو چار جگہوں پہ وہ ان کی پریزنس ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور کٹنگ ایج کام کر رہے ہیں, جو کہ ٹریٹمنٹ شاید کئی یورپین ممالک میں مہیا نہیں ہے, وہ اب پاکستان میں آ چکی ہے اور الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو آج کی بات ختم ہوئی, تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.